अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं आप तमाम देखने वाले दोस्तों खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ आपको अपडेट देने के लिए तंजीम होटल चौरंगी नॉर्थ अहमदाबाद। और यहाँ पर जैसे मैंने कल एक अपडेट दी थी कि बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, तो आज के लिए जानिब से तजावजात के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मेरे साथ रहे, मैं आज की तमाम अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। आज 23 अगस्त 2022 और मंगल का दिन है, तो मेरे साथ रहिएगा। ये ऑपरेशन के लिए और KMC के मुश्तरक कार्रवाई, जिसमें KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान, KDA के अफसरान, पुलिस और दीगर अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए निगरानी ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम 200 या 250 दुकानें हैं, और ये SP प्लाट था जिसके ऊपर ये शॉपें बनी हुई थी और दुकानों के ऊपर मकाना थे। यहाँ के दुकानदारों का ये कहना था कि ये हमारी दुकानें जो हैं लीज़ हैं और इस पे नक्शा भी पास है, लेकिन KDA की जानिब से ये केस चल रहा था और इसमें ये बताया गया था कि ST प्लाट है और ये KDA की अपनी ज़मीन है, लिहाजा KDA ज़मीन को खाली करा रही है। मिनटों के अंदर जो है बिल्डोज़र ने काफ़ी दुकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ ये कार्रवाई जारी है इस वक्त लंडी होटल चौरंगी नॉर्थ अहमदाबाद को। यार मेरे चैनल में स्ट्राइक लग गया। Thank you.
कमीशन थे या असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनके जेरे निगरानी ऑपरेशन जारी है। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन तो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जो तार मशीन के आगे आ रहे हैं उन तारों को भी काटा जा रहा है जिसमें केबल के तार मौजूद हैं। मशीन का शोर बेहतर ज़्यादा है और पीछे की साइड पर जो है ट्रैफिक भी चल रहा है। आज हो सकता है मेरी आवाज़ आपको बहुत स्लो आ रही हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपसे इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।